आरएस प्रवीण कुमार बने बहुजन के लिए रहनुमा, मुख्यमंत्री केसीआर के फर्जी विकास का किया पर्दाफाश। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं हूं पराग मंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर रखते हुए तमाम केसीआर के माध्यम से जो बड़ी बड़ी बातें मंचों से लगातार देखने को मिल रही है, जिस प्रकार केसीआर के माध्यम से तमाम दलित आदिवासी पिछड़ों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए और उनके तमाम जीवन में परिवर्तन के लिए लगातार बड़ी बड़ी बातें मुख्यमंत्री केसीआर आए दिन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बता दें कि तेलंगाना में एक लंबे समय से जिस प्रकार बाढ़ के माहौल लगातार बने हुए हैं और जिस प्रकार बारिश के चलते गांव कस्बों इलाकों के अंदर में तमाम बहुजन समाज से आने वाले लोगों की जो झोपड़ियां है या फिर उनके घर है वो ढह जा रहे हैं, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आर एस प्रवीण कुमार इन्होंने इस पूरे मसले का जायजा लेने का काम किया। तेलंगाना से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर आलमपुर विधानसभा के ठक्कसिल्ला गांव में जो लक्ष्मी देवी है, इसका घर इस बाढ़ के चलते बारिश के चलते ढह जाता है। और ये जो खबर आरएस प्रवीण कुमार जो तेलंगाना प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है इनको जब मिलती है, तब उस घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मसले का जायजा लेने का काम आर एस प्रवीण कुमार इनके माध्यम से किया जाता है और प्राथमिक तौर पर जो सहायता की जा सकती है वो आर एस प्रवीण कुमार वहां पर करते हैं। बता दें कि बहुजन समाज के लिए एक रहनुमा तौर पर आर एस प्रवीण कुमार तेलंगाना के अंदर में साबित हो रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का बढ़ता हुआ जनाधार जिस प्रकार देखने को मिल रहा है और आर एस प्रवीण कुमार को तेलंगाना की तमाम जनता अपनी पहली पसंद बना चुकी है, बहुजन समाज पार्टी को लगातार स्वीकार करते हुए नजर आ रही है। और ये देखा जा रहा है कि तमाम मसले तेलंगाना के अंदर में जिस भी इलाके के अंदर में होते हैं तमाम जगहों पर जाकर उस पूरे मसले का जायजा लेने का और सहायता करने का काम आर एस प्रवीण कुमार इनके माध्यम से लगातार देखा जा रहा है। और इसी के साथ साथ केसीआर मुख्यमंत्री जो तेलंगाना के अंदर में इनके माध्यम से तमाम जो बड़ी बड़ी बातें मंचों से की जा रही है उनका बयान लगातार देखने को मिल रहा है। इससे समझ में आता है कि खासतौर पर दलित आदिवासी और पिछड़ों के लिए जमीनी स्तर पर उनका जो विकास है पूरी तरीके से खोखला है और इन तमाम मसलों का पर्दाफाश करने का काम लगातार आरएस प्रवीण कुमार अपने सवालों के माध्यम से करते हैं और उन तमाम इलाकों के जाकर सवाल करते हैं मुख्यमंत्री केसीआर से कि जिस प्रकार स्वर्णिम काल की और तमाम तरीके से बड़ी बड़ी बातें आरएस जो केसीआर के माध्यम से की जाती है, आखिर अपने एसी वाले रूम से कब निकल कर तेलंगाना की तमाम जनता की वो सहायता करेंगे और इनके दुख तकलीफ और समस्याओं को समझ कर इनको हल करने का काम करेंगे। ये तमाम बड़ी बातें आरएस प्रवीण कुमार लगातार अपने ट्वीट के माध्यम से अपने बयान के माध्यम से करते हुए नजर आते हैं और बहुजन समाज के लिए कहने के वो रहनुमा साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार तमाम बहुजन समाज के आने वाली समस्याओं को केसीआर के तमाम फर्जी विकास को पर्दाफाश करने का काम और बहुजन समाज की समस्याओं को लगातार समझकर उनकी सहायता करने का काम, उनको अपना योगदान देने का काम जो आर एस प्रवीण कुमार के माध्यम से किया जा रहा है, जिसको लेकर तमाम तेलंगाना के अंदर में आर एस प्रवीण कुमार और बहुजन समाज पार्टी की लगातार प्रशंसा देखने को मिल रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए क्या बहुजन समाज पार्टी को अपनी पहली पसंद बनाएगा और इसके साथ साथ बहुजन समाज को जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सत्ता पर काबिज करवाएगा मुख्यमंत्री केसीआर के इस पूरे के पूरे सरकार के चलते जो बहुजन समाज को तकलीफें लगातार देखने को मिल रहे, दुख समस्याएं में लगातार बहुजन समाज पूरे तेलंगाना के अंदर में है, क्या इससे वो मुक्ति पाएगा? यह बड़ा गंभीर सवाल है। इन सवाल का जवाब चुनाव नजदीक आते आते ही देखने को मिलेगा। इस पूरे मसले पर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताओ। और तेलंगाना के अंदर में जिस प्रकार आर एस प्रवीण कुमार के माध्यम से जो तमाम बहुजन समाज के लिए वो रहनुमा साबित हो रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है उसे भी लिखकर हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।